सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 17th ऑफ मे है एंड ये ब्लॉग चलेगा डेली ब्लॉग की तरह, बट मैं थोड़ी सी आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले मैंने अपना ये चैनल शुरू करा था और सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा। आज 17th ऑफ मे है, 17th ऑफ मे 2020 में मैंने सोचा था और ये चैनल खोला था। अभी 2022 हो गया, आज के दिन पे इसलिए खोला था बिकॉज आज मेरे दादू का बर्थडे होता है। अभी मैं शायद से आपको दिखाऊंगा बाद में हमारी सेलिब्रेशन वगैरह जो भी करेंगे, बट हाँ ठीक है। 17th ऑफ मे को मैंने चैनल शुरू करा था, अभी 2 साल हो गए हैं और 2 साल में मेरे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब ये बोलने में भी मेरे को शर्म आ रही है एंड इस वजह से आज मैं बड़ा थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूँ। एंड द थिंग इज, मतलब लोगों के 2 साल में 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मैं अगर ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम मैं भी करता ना, तो मेरे को लगता है कि मेरे मिनिमम 50,000 सब्सक्राइबर तक तो हो ही जाते थे, जो कि बहुत होते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए। बट मैं इतना सीरियसली लिया इस बात को, कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसे आई कि मैं बस सारा टाइम सोचता रहा कि यार मैं क्या डालूं, रादर देन अपलोड करने से कुछ भी। मैंने सोचा था मेरे को ब्लॉग्स डालने हैं बिकॉज मैं ब्लॉग से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ था। माय फेवरेट ब्लॉगर इज मुंबई कर निखिल एंड उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ। मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, हमेशा उनकी तरह एक्ट करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम यही हुई कि मैं हमेशा बस सोचता ही रह गया कि मैं क्या डालूँ। मतलब मेरे को पता था कि अगर मैं ऐसे नॉर्मल अपना दिन दिखाता रहूँगा, मैं ये कर रहा हूँ तो नहीं चलूँगा, बिकॉज सीरियसली बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो मैं बस यही सोचता रह गया कि मैं क्या डालूँ एंड उसकी वजह से मैं कभी ग्रो कर ही नहीं पाया, मैं कुछ डाल ही नहीं पाया। अगर 2 साल में कुछ डाला होता तो अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता था, पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हो सकते थे, लाइफ शायद पूरी डिफरेंट हो सकती थी, बट मैं नहीं करा वो और आज दुख हो रहा है। मे बी भगवान ही चाहते थे कि ऐसा हो, नेचर लाइफ चाहती थी कि ऐसा हो, ठीक है। तो जो हो गया वो हो गया, अगर हम उस सब को भुला के अब अगर आगे की भी सोचें तो अब तो इनफैक्ट कंपटीशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। 2 साल में इतने लोग आ चुके हैं, अब तो मतलब चांसेस, अगर पहले चांसेस 50 थे तो अब 5 हैं, ऐसा हो चुका है हाल। बट ठीक है, कोशिश करेंगे, कल व्लॉग्स नहीं, कुछ डिफरेंट डालने की कोशिश करेंगे। दो, मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ, कभी कभी होता हूँ थोड़ा, बट वैसे बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ। तो मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को बस ये करना है, मेरे को मज़ा आता है करने में इसलिए मुझे करना है। बस दिक्कत यही है कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या डालूँ। तो अगर हो सकता तो प्लीज़ मेरी कॉमेंट्स में हेल्प करना, मेरे को बता के कि मैं क्या डाल सकता हूँ। सो वन थिंग आई हैव लर्न इज टू जस्ट डू, मतलब करो। अब इमेजिन करो कि आपको कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जब आप कुकिंग करते हो, ऑब्वियसली आपको कुकिंग नहीं आती, आपको नहीं पता कि मैं किस क्वांटिटी में क्या डालूँ, बट अगर आप हर दिन उसी सेम चीज़ को बनाते रहोगे, अगर आप एक केक बनाते हो और हर दिन आप केक को बनाते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीनी डालनी है, कितना ये डालना है। एंड जब आप हर दिन बनाओगे और हर दिन एंड में खाओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आज इस चीज़ की कमी थी, आज इस चीज़ की कमी थी। और मतलब ऐसे पूरे उसको हर दिन करते रहोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन आप बेसिकली परफेक्ट बन जाओगे और एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे को ये करना था। ऐसे ही YouTube के साथ भी है कि अगर आप हर दिन वीडियो डालते रहोगे, मतलब अब मैंने देख लिया कि अगर आप डालो भी ना, कि सिर्फ रिकॉर्ड करते रहो तो भी आपको पता चल जाएगा। आप एडिटिंग में बहुत कुछ सीख लिया मैंने, लिटरली 2 सालों में एडिटिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं इंप्लाई नहीं कर पाया, बट ठीक है। अगर मैंने कभी ये यूट्यूब शुरू ना कर रहा होता तो मेरे को वो एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड इतनी सारी टर्म सीखी, ये सब हुआ, कॉपीराइट कैसे हटाते हैं वीडियो से, ये सीखा, सब कुछ एक्सपीरियंस करा, सब कुछ सीखा एंड दैट इज़ ग्रेट। और अभी तो मेरे को लग रहा है मैंने 5% भी नहीं सीखा, बिकॉज आई थिंक 50-60 तो वीडियो डाली और 20 तो सब्सक्राइबर हैं, तो सीखूंगा। एंड अब मैंने बस ये सोच लिया कि चाहे जो मर्जी डाल, बस हर दिन डालता रहे, एक बार अगर वो 365 डेज के लिए डलेगा तो वो एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि क्या डालना है। अभी नहीं पता, बट आई एम होपिंग ओ फॉर द बेस्ट, बाद में पता चल जाएगा जैसे जैसे परफेक्शनिस्ट बनते रहेंगे। आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मैं इसको बंद करो, मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़, अगर हो सके तो मेरे को बताना कमेंट्स में कि मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ ऐसा,
ब्लॉगिंग में नॉर्मल देखे तो मुझे पता है कुछ फ़ायदा है नहीं, बट फिर भी मैं हर दिन बनाऊंगा, हर दिन मतलब हर दिन तो नहीं बट समझ रहे हो ना, हफ्ते में 3-4 बार बनाऊंगा, डालने की कोशिश करूंगा। कुछ ना कुछ तो करना है इसमें से, कुछ ना कुछ तो मेरे को निकालना है। ऐसे तो मैं नहीं रह सकता जैसे अभी 2 साल वेस्ट करे, बहुत बुरा लग रहा है। बट ठीक है, इन 2 सालों को अगले 2 महीने में मेकअप करने की कोशिश करेंगे, जो भी होता है देखा जाएगा, मैं कुछ कमिटमेंट नहीं करता। तो आज का लेसन यही था कि बस डू, ये मैंने अपने आप को दिया है, मैं आपको देने वाला कुछ अभी आई डोंट थिंक मैं डिजर्व करता हूँ किसी और को ये लेसन देना, बिकॉज मैं खुद ही इतना बड़ा लगू। इट्स लाइक आई नो कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं वो दिन रात खून पसीना लगाने के लिए मेहनत कर सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं से तो कुछ तो रुक रहा है। एंड 90% रीज़न उसका यही है कि मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या डालूँ यूट्यूब पे, क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या होएगा, समझ नहीं आ रहा। एक और चीज़ है कि मुझे कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिल्कुल छोटे होते से ही, मतलब बहुत ही छोटा था तब से मेरे को कार में इंटरेस्ट है, और अभी भी मेरे यूट्यूब पे 50% कार्स ही रहता है, तो मैं कार से रिलेटेड भी कुछ कर सकता हूँ, देखते हैं। मतलब अगर मैं व्लॉग्स करता रहूँ और मैं व्लॉग में अपने गाड़ियों की बातें करता रहूँ पता नहीं यार, बट हाँ डेफिनेटली मैं गाड़ियों की बहुत सारे रेफरेंसेस यूज़ कर सकता हूँ, और कार्स मेरा इंटरेस्ट है, चाहे वो वैगनार हो चाहे वो ऐसे मतलब बुगाटी हो, जो मर्जी हो, बट कार्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है एंड वो मेरा मतलब पैशन है बहुत बड़ा, तो आई थिंक मैं वो कर सकता हूँ, पता नहीं, लेट्स सी। तो अभी ना मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऑलमोस्ट 6:45 होने वाले हैं, एंड दिक्कत ये कि मैं मार्केट से जाके भी नहीं कुछ ला सकता, घर पे कुछ बिस्किट नमकीन कुछ भी नहीं पड़ा, एंड मेरी अभी ट्यूशन शुरू होने वाली है, मतलब लिंक आ ही चुका है, मेरे को ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन ट्यूशन होती है अकाउंट्स की, तो वो करनी है, मैंने किसी को नहीं पता था मैं 12th क्लास में हूँ, तो वो करनी है, तो मैं जा भी नहीं सकता बाहर।